बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह कहलाने वाले अभिनेता शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी पठान को लेकर काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं, जहां हाल ही में इस फिल्म का बेशरम रंग सॉन्ग देखने को मिला, जहां इस आइकॉनिक सॉन्ग को सभी ने अपना खूब प्यार दिया, तो वहीं इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर सभी फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। तभी तो आम दर्शक भी शाहरुख खान की पठान फिल्म का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेता शाहरुख खान की पठान मूवी के सपोर्ट में उतरे अल्लू अर्जुन और अमिताभ बच्चन? जी हाँ, आखिरकार इन दोनों अभिनेताओं ने कैसे और किस तरह से शाहरुख खान की फिल्म पठान का सपोर्ट किया है, चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभिनेता शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी पठान को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं, जहां इस फिल्म की कहानी को सभी काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ समय पहले ही पठान फिल्म का बेशरम रंग सॉन्ग आउट हुआ था, जहां इस फिल्म को सभी ने अपना खूब प्यार दिया, तो वहीं कुछ लोगों ने इस फिल्म में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी को लेकर बवाल मचा दिया, जहां पर फिल्म को बायकॉट करने की भी मांग कर रहे थे। पर हाल ही में साउथ के जाने माने अभिनेता अल्लू अर्जुन ने शाहरुख खान की फिल्म पठान का खूब सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म को आपको देखना जरूर चाहिए, क्योंकि इस फिल्म की कहानी वाकई काफी अच्छी है। साथ ही फिल्म में अभिनेता शाहरुख खान की जो एक्टिंग है वो वाकई बेहद लाजवाब है। वहीं बॉलीवुड के बिग बी ने भी शाहरुख खान की पठान फिल्म का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि शाहरुख 4 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है और फिल्म में शाहरुख खान का अंदाज भी देखने लायक है, जिसके चलते मैं तो सबसे यही कहूंगा कि इनकी फिल्म को देखकर इन्हें एक मौका देना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने पहले भी कई ऐसी फिल्में दी हैं जो कि सुपर डुपर हिट रही हैं, और पठान फिल्म के लिए तो इन्होंने कई सालों तक कड़ी मेहनत की है, और इसलिए उनकी फिल्म को सपोर्ट करो और उनकी फिल्म को देखो, बायकॉट ना करो। वेल दोस्तों, दोनों अभिनेताओं ने शाहरुख खान की फिल्म पठान को सपोर्ट करके सही किया या गलत, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।